इंडियन बाइक 3D गेम में न्यू चैलेंज मोड आया है नन का, तो आज हम खेलेंगे वही गेम। इसके अंदर बहुत चैलेंज मोड है, तो हम सिर्फ खेलेंगे इविल नन। करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू कर। फाइनली हम आ चुके हैं इविल नन के स्कूल के अंदर। ओ भाई साहब क्या खतरनाक नजर है। ओ भाई साहब ये क्या था? भाई साहब आपने देखा दरवाजा खोलते ही नन आ गए और उसने हमें सुला दिया। तो आप सब यही सोच रहे होंगे कि हम इसके स्कूल के अंदर कैसे आ गए, तो आपको बताएंगे पूरा वीडियो। तो चलिए बने रहना वीडियो के साथ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, आज का दिन कितना बढ़िया है। सुबह सुबह जॉब के लिए तैयार हो गए हम। अरे यार बॉस किस लिए कॉल कर रहे हैं? पता नहीं किस लिए कॉल कर रहे हैं बॉस। देखते हैं क्या काम है मुझे। ऑफिस पे मत जाना, हमें जाना है पुरानी हवेली पर, वहीं पर मीटिंग होगी, आ जाना। तो बॉस ने हमें पुरानी हवेली पर बुलाया है, तो ठीक है चलते सीधा पुरानी हवेली पर। तो ये स्कॉर्पियो है गाइस हमारे पास, तो हमें बॉस ने दिए है हमारे, तो काम पर दी गई है हमें बॉस ने आने जाने के लिए। तो हमारे पास तो ड्राइवर तो नहीं है, तो लेते हैं हमें चलते हैं पुरानी हवेली पर। तो कर दी गाड़ी स्टार्ट, हम निकलते फिर क्या करना, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम जॉब पर हैं, तो चलते हैं। यार कुछ आया था क्या गाड़ी के लिए? पुरानी हवेली का रास्ता है तो थोड़ा लंबा था, हमने थोड़ा वीडियो शॉट कर लिया, तो लगभग हम नगिस पहुँच ही गए। तो यही रास्ता जाता है पुरानी हवेली पे, निकलते हैं। सामने की ओर है हवेली, तो देखते यही हवेली है पुरानी, बॉस का घर, चलते हैं फिर अंदर। तो लगभग मीटिंग ख़त्म हो गई, तो सारा काम हो गया। अरे गाइस यहीं पर हमारी कार पार्क की थी ना यार, किसी ने चुरा ली क्या? यार अभी तो अंदर पार्क कर कर गया था मैं, बॉस के घर के सामने चोरी हो गई लगता है। अरे भाई बॉस के यहाँ कैमरे भी लगाए नहीं हैं, ये पुरानी हवेली है, यहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं है, अब क्या करें, गाड़ी तो चोरी गई है। तो बहुत टाइम हो गया है, तो जान लिए छोड़ दिया, पता नहीं रिपोर्ट दिखाएंगे फिर पुलिस स्टेशन में। तो जब तक हम मांगते हैं लिफ्ट, कोई आ रहा है भाई इधर से? अब गरीब पूरे दिन आ गया, अब लिफ्ट मांगनी पड़ेगी, बॉस गुस्सा करेगा, तो लिफ्ट मांग कर जाएंगे। तो इंतज़ार के बाद एक नंबर गली वाला आ रहा है उधर से, तो उसे मांगे हैं लिफ्ट, तो उसके सीधा सामने जाएंगे। चलते वो आ रहा है अपनी ओर, उसे मांगेंगे लिफ्ट, पता नहीं देंगे या नहीं, देखते पूछ कर तो देखना पड़ेगा ना। हेलो भाई, हेलो भाई, मुझे लिफ्ट मिलेंगे भाई? लिफ्ट दे दो ना भाई मुझे प्लीज। अबे गरीब भिखारी कहाँ से आ गया अबे तू? नहीं मिलेंगे लिफ्ट, लिफ्ट निकल यहाँ से। कभी तूने देखी है गाड़ी ऐसी? प्लीज भाई आप तो लिफ्ट दे दीजिए ना मुझे। अबे भिखारी निकल। अबे क्या बोला, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल साले, निकल बाहर, गाड़ी के अंदर बैठा है, अब रास्ते पर सोना और निकलना, तेरी गाड़ी लेकर तो मैं जा रहा। साला कोई भी नॉर्मल मांगा मंगे तो गाड़ी नहीं दे रहा, इसलिए कहते दादागिरी पर उतरा है, इसका बाप तो देगा गाड़ी। तो गाड़ी तो ले ली है हमने, निकलते सीधा सामने की ओर, हम निकलेंगे सीधा घर की ओर, ये रास्ता जाएगा आगे की ओर, चलते हैं इधर से। अरे भाई साहब यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ क्यों लगती हैं? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ और इतनी मार, किसे पता नहीं क्या हो गया यहाँ पर। पुलिस वाले तो बहुत आ रहे हैं, बहुत भी गाड़ियाँ लगे हैं। तो हमने वहाँ पर गाड़ी पार्क की थी हमारी, देख सकते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ, उधर दो तीन पुलिस वाले के लगे हैं, और इधर देख सकते हैं कितने टकरा रहे हैं यहाँ से, पता नहीं किससे पकड़ने के लिए इतने तेजी से। ओ भाई साहब, भाई मुझे मारेगा क्या इतने नजदीक से? क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर सिर्फ पुलिस वालों की एंट्री है, यहाँ पर एक मुजरिम है जो बच्चों को किडनैप कर रहा था, निकल यहाँ से। ठीक है सर जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी नहीं है, चोरी गई है। जा हमारी गाड़ी लेकर जा, निकल यहाँ से जल्दी, चला जा। चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गया हूँ मैं, तो लेते हैं पीछे गाड़ी को। अरे पीछे रह गया मेरा गाड़ी, घर घर बन में। तो फाइनली हम हमारे घर पर आ गए हैं, पता नहीं वहाँ पुलिस वाले कौन थे, मुजरिम को पकड़ रहे थे क्या पता। तो चले कोई बात नहीं, हमें क्या करना है। तो हम फाइनली हमारे घर आ गए, पुलिस वाले की गाड़ी यहीं पर छोड़ दूंगा, लोग कहेंगे कि पुलिस वाले की गाड़ी आई है, तो लोग को खामा खाम उस पर शक करेंगे, मुजरिम कहेंगे मुझे। तो चलते हैं सीधा हमारे घर में और ठंडा वंडा लेंगे और ज़रा सा चिल करेंगे, पता नहीं बहुत टेंशन है दिमाग को,
चलते फिर अंदर घर के। अरे बॉस को तो पता होगा, बॉस के घर पर भी वो घर है, तो ठीक है तो बॉस को कॉल करते। नंबर क्या था बॉस का, दबा दिया। हेलो बॉस, वो आपके घर को आते वक्त मैंने देखा कि बहुत पुलिस वाले की गाड़ियां थी एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास। अरे मुझे तो पता नहीं है, पर एक जेल में कैदी है उसे बहुत पता है कि वहाँ पर गाड़ियाँ क्यों थी है। तो फाइनली हम जेल में आ गए हैं उस कैदी से मिलने के लिए। ओ भाई बाहर तो बहुत सिक्योरिटी टाइट लगती है। तो हेलो सर, हमें एक पुराने कैदी से मिलना था, आप मिला देंगे उससे? उससे थोड़ा सा काम था। अरे तू अंदर कैसे आ गया बिना इजाजत के? कॉन्स्टेबल इसे बाहर काढ़ो, बिना मर्जी के कोई नहीं आ सकता। मुझे तो बाहर निकाल दिया, तो हम दीवार फांद कर अंदर जाएंगे और उस कैदी से मिलेंगे। अरे कोई आसपास तो नहीं है, हम दीवार फांद कर अंदर जाएंगे। तो एक लड़का है, इसे जाने देते हैं। तो चलो वो भी चला गया, चलते हैं ऊपर दीवार फांद कर अंदर। ओ भाई साहब आराम से जाना, आराम से जाना, गिरना मत। ओ भाई साहब आह, भाई साहब बहुत ज़ोर की लगी है। तो कोई बात नहीं, हम अंदर तो पहुँच गए हैं, तो चलते हैं आगे। तो फाइनली हम अंदर आ गए हैं और ये इसी आदमी को पता था कि वो स्कूल के पास गाड़ियाँ क्यों थी। हेलो भाई, मुझे जानना था कि वहाँ गाड़ियाँ क्यों थी। आप पुराने स्कूल की तो बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत पुरानी बात है, वहाँ पर एक एविल नन रहा करती थी। मेरी स्कूल आ गई, चलो दोस्तों, वो रही मेरी स्कूल, चलो जाऊंगा, है मैं काफी खुश हूँ। ये कौन है, है ये कौन है, है रुक जाओ, रुको, कहाँ जा रहे हो, ये कौन है, कौन है? तो फाइनली मैं स्कूल के पास आ गया हूँ, यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं है। तो चलते हैं ठीक है अंदर और देखते हैं नन का स्कूल अंदर से कैसा है। तो फाइनली हम नन के स्कूल पहुंच चुके हैं अंदर से। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रूम हैं यहाँ पर। देखते हैं कोई है क्या भाई, कोई है अंदर? कोई बात कोई नहीं यहाँ पर। ओ भाई साहब ये क्या था भाई, नन है, मैं देखा ही नहीं गाइस। तो ये नन को मारने के वास्ते पुलिस वाले आए थे लगता है बाहर। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं अंदर। नन तो बाहर, नन कहाँ गई पता नहीं। तो हमें यहाँ से निकलना है बाहर। ये नन क्या करेंगे पता नहीं, हमें बाहर जा पाएंगे या नहीं। स्कूल तो बहुत बड़ा दिख रहा है गैस, हम कहाँ से गए थे, कहाँ निकलेंगे पता नहीं गैस। मुझे तो पता नहीं कहाँ रास्ता है और कहाँ खत्म है। ओ भाई साहब स्कूल भी दिख रहा है गैस, आप देख सकते हैं ये स्कूल है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन स्कूल दिख रहा है ये तो। अरे भाई कितने दरवाजे हैं, मैं कब से भटक रहा हूँ, रास्ते मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं यहाँ से कहाँ से निकलूंगा। ये क्या चीज़ है भाई? ओ भाई साहब मुझे फाइनली गेट की चाबी मिल गई है, जो मेन गेट है, तो हम वहीं से बाहर निकलेंगे भाई साहब। यही वो गेट है, बढ़िया। ओ भाई साहब लॉक खुल गया, बढ़िया। ओ भाई साहब हम बाहर आ गए हैं, बहुत बहुत बढ़िया, हम बाहर निकल गए हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।